आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्वादर एयरपोर्ट जिसका संगे बुनियाद रखने में 14 साल लग गए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मा 29 मार्च को ग्वादर के नए इंटरनेशनल हवाई अड्डे का संगे बुनियाद रखा। इस मंसूबे का आगाज मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज ने 19 अगस्त 2005 को सिविल एसोसिएशन को अहकामात देते हुए किया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहले 6 वज़ीर-ए-आज़म से एयरपोर्ट की तामीर तकमील के बारे में मुख्तलिफ तारीखें या तकमील के दौरानी के मुताबिक मुख्तलिफ दावे कर चुके हैं। ताहम अब बलाखिर 14 साल 7 महीने और कुछ दिन के बाद इस एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा गया। हाँ, आपको बहुत सारी तारीखें और तखमीये ज़रूर सुनने को मिलेंगे, जैसा कि इस्लामाबाद के इंटरनेशनल हवाई अड्डे का मामला हमारे सामने है, कौन जीता है तेरे रनवे के मुकम्मल होने तक। इस मजमून में हम जायज़ा लेंगे कि इस एयरपोर्ट के अंदर क्या खसूसियात दस्तयाब हैं और इसकी अब तक कितनी डेडलाइंस दी जा चुकी हैं और अखराजात का तखमीया किस तरह पहले दिन से आज तक बदलता रहा। इस सारे मामले को समझने के लिए गुज़श्ता 14 साल में अखबारात में मुख्तलिफ नौइयत के बयानात का जायजा लिया गया, जिनकी मदद से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ये सारे पब्लिक बयानात का रिकॉर्ड है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सेक्रेटरेट की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इस एयरपोर्ट की तामीर का काम अप्रैल 2019 में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट का डिजाइन और फिजिबिलिटी मुकम्मल की जा चुकी। ये एयरपोर्ट ग्वादर के हवाई अड्डे से 26 किलोमीटर शुमाल मशरिक की जानिब वाकया है और इसकी तामीर का तकरीबन पूरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का दूसरा फील्ड एयरपोर्ट होगा, यानी इसको बिल्कुल नए सिरे से तामीर किया जाएगा। पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इस्लामाबाद का नया बैनुल इकवामी हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट की मंसूबा बंदी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज ने 2005 में सिविल एसोसिएशन के अहकामात जारी किए। इस जमाने में PIA ने नए नए ATR तैयारे हासिल किए थे तो कराची से ग्वादर के लिए इन परवाजों के भी अहकामात जारी कर दिए गए। इस मंसूबे के आगाज से अब तक ये बात भी वाजिया नहीं है कि इसके लिए कितनी जमीन मुख्तस की गई। बाज बयानात के मुताबिक इसके लिए 4300 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, जबकि बाज के मुताबिक ये 3000 एकड़ है। याद रहे, मंसूबा के आगाज के फौरी बाद ज़मीन की खरीद में खर्द बर्द की अतलात भी थीं, जिस पर इंक्वायरी भी तश्कील दी गई, लेकिन इसका क्या हुआ कि ये किसी को मालूम नहीं। इस मंसूबे की तामीर में अब तक कई डेडलाइंस आईं और गईं, मगर जब इसका आगाज किया गया था तो ये बात कही गई थी कि इसको 2 सालों के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये 25 जनवरी 2007 की बात है, जब सेनेट में सवालात के जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत बराए दाखला जफर इकबाल वड़ाइच ने कहा कि इस मंसूबे को 2 सालों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मंसूबे पर काम कब शुरू होगा। इसके बाद 28 फरवरी 2008 को निगरान वजीर दिफा सलीम अब्बास जिलानी ने कहा, ग्वादर एयरपोर्ट का मंसूबा 1 अगस्त 2010 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर 2009 को वफाकी वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार ने कौमी असम्बली में ये बात की कि इस एयरपोर्ट को जून 2012 में और एक और अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2011 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जनवरी 2010 और तारीख 13 थी जब इस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने सिविल एसोसिएशन को अहकाम जारी किए कि वो 3 साल के अंदर अंदर इस एयरपोर्ट को मुकम्मल करें। इस मीटिंग के नतीजे में ये बात भी सामने आई कि 2020 तक इस एयरपोर्ट पर 3,50,000 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। इसके बाद 22 नवंबर 2011 को APP की रिपोर्ट के मुताबिक जेरे तामीर ग्वादर एयरपोर्ट, जिसे 2013 में मुकम्मल कर लिया होना था, अब दिसंबर 2014 में मुकम्मल होगा। और फिर बारी आती आती 230 मिलियन के कर्ज की जो चीन ने इस मंसूबे के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को दिया था, जिसे बाद में तब्दील कर दिया गया
और सितंबर 2015 में इस मंसूबे की तकमील के लिए नई डेडलाइन दिसंबर 2017 में दी गई। 22 नवंबर 2017 को ये बयान सामने आया कि ये मंसूबा 2019 के आखिर या 20 के शुरू में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये तो थी तामीर की डेडलाइन, लेकिन इसी तरह इस मंसूबे के संगे बुनियाद रखने वालों की भी मुख्तलिफ तारीखें मुख्तलिफ अदवार में दी जाती रही थी। 6 मार्च 2017 को वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल ने एक सेमिनार के दौरान कहा कि संगे बुनियाद रखने की तकरीब जल्द रखी जाएगी। 15 जून 2017 को ये बयान सामने आया कि सितंबर में तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। फिर ये बात 22 नवंबर 2017 को साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने गवादर के दौरे के दौरान कही कि जल्द इस मंसूबे की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी में दिसंबर 2017 को यह बात सामने आई कि मार्च 2018 को इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा और होते होते मार्च 2019 तक बात आ गई। 7 नवंबर 2006 को वफाकी हुकूमत ने इस हवाई अड्डे की तामीर का ठेका चाइनीज कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियर कंपनी को दिया, लेकिन सिविल एसोसिएशन को इस मंसूबे के डिजाइन और निगरानी के लिए मुकरर किया गया ताकि इस हवाई अड्डे को बैनुल इक्वामी मियार के मुताबिक तामीर किया जाए। इस वक्त इस एयरपोर्ट की तकमील पर उठने वाले अखराजात का तखमिया $70 मिलियन के करीब लगाया गया था और इसे बुनियादी तौर पर कार्गो के इस्तेमाल के लिए तामीर किया जाना था। इस मंसूबे की तकमील के लिए शुरू दिन से जो रकम की बात की जा रही थी वो 6.5 अरब रुपए बनती है, जिसके बारे में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से फंड्स का अजरा किया गया। अमरीकी डॉलरों में रकम का तखमिया 200 से 250 बिलियन बताया गया, जिसमें दिसंबर 2009 को बताया गया कि ओमान की हुकूमत $17.5 मिलियन की ग्रांट इस मंसूबे के लिए फराहम करेगी। अक्टूबर 2014 को APP की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इस मंसूबे की पर 803 मिलियन रुपए खर्च किए, जबकि इसकी लागत 7.7 अरब रुपए तक जा पहुंची। इसी साल हुकूमत ने एविएशन डिवीजन को अहकामात जारी किए कि वो एयरपोर्ट के डिजाइन में तब्दीली करें ताकि बोइंग 777 त्यारे भी इस हवाई अड्डे पर उतर सकें। और वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान चीन की हुकूमत ने $203 मिलियन के कर्जे को इमदाद में बदल दिया।